जैसे आप जानते हो कि पहले जमाने में इंश्योरेंस का इतना अवेयरनेस नहीं होता था, और जब मैं इंश्योरेंस के लिए जाता था तो पहले लोग मुझसे भागते थे, मुझे दोस्ती भी करना नहीं चाहते थे कि आएगा हमारे गले में कुछ ना कुछ प्लान मार के जाएगा। तब मैंने सोचा कि ऐसा मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि लोग हमसे दूर भाग रहे हैं। तो उसे चेंज करने के लिए मैंने सोचा कि मेरे पास लोग कैसे आएंगे, लोग मुझे प्यार कैसे करेंगे, लोगों लोग मुझे कैसे चाहेंगे। तो वो सब करने के लिए मैंने अपने आप को अपडेट किया, मेरा स्टेटस चेंज किया। जो एक मिडिल क्लास आदमी का मेरा स्टेटस हुआ करता था, जो लोगों के नजर में एक हाई क्लास सोसाइटी का स्टेटस है, वो पाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, मैं वो लोगों के साथ रहना चालू किया, उनके जो काम से वो करना चालू किया, ना कि LIC के। अगर किसी को, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले मैं कार फाइनेंस भी किया एक टाइम पे, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी बेचूंगा तो बड़े लोगों से मुलाकात भी होगी। बराबर। उसके बाद मैंने बहुत सारे बिल्डर के साथ रह के मैंने ग्रुप में सेलिंग भी किया, किसी के ग्रुप 50-60 फ्लैट है तो भाई एक दूसरे को दूसरे कॉर्पोरेट में उसको बेचो, तो वो उनको सीखा मैंने, और वो सीखने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, उनके जैसे बनने के लिए मैंने उतना इनकम अर्न किया। मैंने जैसे एक दिखाने के लिए मैंने मर्सिडीज लिया, जो भी है, तो ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट था। और तब जैसे मैंने लोगों के पार्टीज में जाना चालू किया, लोगों के इवेंट में जाना चालू किया, लोगों के उनके काम के लिए मैं काम करना चालू किया। जैसे एग्जाम्पल, लोगों के बहुत सारे काम होते हैं कि भाया कि मेरा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, तो मैं उनको सॉल्व करके देता था। बराबर। तो मेरे दोस्त है, वो कोई एडवोकेट रहेगा कोई, तो उनको देता था नंबर कि भाई आप टेंशन मत लो, सारा का सारा काम एक ही जगह पे हो जाएगा। बराबर। तो ये सब होने के बाद लोगों को लगा नहीं, ऑल इन वन हमारे एक ही प्रणिल है, तो उसके साथ ही जुड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी प्रोजेक्ट है, कुछ भी काम आ गया, प्रणिल हमारा मदद कर सकता है। अगर मुझे बड़ा बनना है तो बड़े क्या करते हैं, बड़े कैसे बनते, उनका काम का स्टाइल क्या है, उनका डे टू डे रूटीन क्या है। तब मैंने देखा कि नहीं, बड़ा बनने के लिए सोच बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने सारे क्लब ये यहाँ पे जाना चाहा कि मैं पहले सिर्फ स्टडी किया 6-7 महीने कि ये लोग कैसे काम करते हैं, इनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। और तब मैंने जितने भी मेरे एरिया में, नवी मुंबई में जितने भी क्लब्स है, कोई गोल्फ क्लब आया था वो टाइम पे, बाद में रोटरी क्लब्स है, DNI है, ऐसे बहुत सारे क्लब में जाना चालू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि और मैं क्या कर सकता हूँ तो इनके पास आने के लिए। तो अपने मार्केट में अभी तक भी यही सोच है कि हर कोई अपने लेवल के साथ में बैठना चाहता है। बराबर। अगर कोई बिल्डर है तो वो बोलता है कि मेरे लेवल का बिल्डर है तो मैं उसके साथ फैमिली रिलेशन बढ़ाऊँ, मैं उसके साथ आगे जाऊँ, उसके साथ बिजनेस की बात करूँ। बराबर। तो ये मैंने दिल में डाला, और वो टाइम पे मैंने टारगेट लिया कि ये टाइम अपने को COT करना है और मर्सिडीज बेंज लेना है। अच्छा। और वो 2008 की बात थी, तो मैंने मर्सिडीज बेंज गाड़ी पहली खरीदी। अच्छा। और एक मार्केट में अपना एक स्टेटस बनाया। ओके। क्योंकि मेरा काम से स्टेटस तो पहले से ही था, क्योंकि मैंने 8 MDIT 9 MDIT 10 COT किए थे। तो आगे कुछ बढ़ने के लिए मैंने एक शुरुआत की, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ऑफिस लेते हैं, मेरे ऑफिस में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बिजनेस ग्रो करने के लिए जो दिखता है वो बिकता है। बराबर। तो मुझे ये करना था कि वो सोशल, वो सर्कल में मुझे जाना था। अच्छा। तो इस प्रकार से मैंने मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारे आइडियाज यूज किए थे। मेरा एक यूनिक पॉइंट क्या है कि आई एम अ सिंगर, आई एम अ डांसर, आई एम अ गुड एंटरटेनर, आई एम अ गुड इवेंट प्लानर। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एक दृष्टिकोण से नहीं कि उससे कुछ काम मिलेगा, मगर लोगों को उनके उनका जो भी प्रॉब्लम है, लोगों को कुछ भी क्वेरी हो उसको सॉल्व करना, लोगों की मदद करना, एक मुकाम तक लोगों को पहुंचाना। तो बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्तों के इवेंट होते हैं जो मुझे बुलाते, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, उनको अच्छा लगते हैं। अच्छा। बहुत सारे क्लब्स है जहाँ पे वो लोग मुझे बताते कि नहीं, प्रणिल आया है तो एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अच्छा। दिल भर जाएगा, मजा आएगा। अच्छा। तो वो चीज भगवान ने मुझे दी है, यूनिक चीज है। ओके। हम गाने गाते और उससे क्या हो जाता है कि एक दिल में बैठ जाते। अच्छा। लोग बोलते कि प्रणिल के सिवा इवेंट चालू ही नहीं हो सकता। अच्छा। बस लोगों के दिल में बैठ जाते, तो हमें मांगने की भी जरूरत नहीं होती। लोग खुद पूछते कि भाई तू बिजनेस क्या करता है और तेरे बिजनेस में मैं तेरे को कैसे सहयोग कर सकता हूँ। अच्छा। और उसी प्रकार से आज लोगों के दिल में मेरे लिए इतना प्यार है कि लोग खुद मुझे बिजनेस देते हैं। क्या बात है। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मेरा मानना है, सभी का मानना है कि मुझे मानना, मेरा खुद का मानना है कि आदमी को जब तक कुछ खर्चे नहीं, आदमी कमाएगा क्यों। बराबर। आदमी को शौक ही नहीं तो आदमी कमाएगा क्यों। तो मैं मेरे जितने भी मैं कोच करता हूँ, जिन जिन लोगों को मैंने आज तक मेरे जो लेक्चर हुए, 5,000 या 6,000 लोगों को कोच किया हमने, मैंने लेक्चर दिए। ओके। तो वहाँ पे मैं एक ही बताता हूँ, आपका जो फर्स्ट इमीडिएटली हो जाएगा उसका 50% एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ओके। क्योंकि क्या बात है कि वो आदमी को खर्चा करने की आदत होनी चाहिए, अगर वो खर्चा करने की आदत है तो उसके सपने बड़े हो जाएंगे। बराबर। मेरा अगर मेरे हम हमारा फ्यूचर देखे तो हम चाल में रहते थे। ओके। मेरे पिताजी ने बंगलो बनाया।
बहुत अच्छा हमें सेटल किया। बाद में मैं आया, मैं आगे क्या करूँ करके मैंने पहले मेरे लाइफ का ड्रीम प्रोजेक्ट रखा, 18 लाख का गाड़ी लूंगा, वो मैंने लिया। फिर ड्रीम प्रोजेक्ट क्या करूंगा बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो फिर मैं ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मर्सिडीज लूंगा वाइफ के लिए, तो वो टाइम पे 60 लाख का मर्सिडीज लिया। तो ये सब क्या हो जाता है, ये बड़े बड़े सपने देखने की वजह से मेरे को उतना काम तो करना पड़ेगा। बराबर, आपको जिंदगी में फ्री कुछ नहीं मिलता है। बराबर, आप जो काम करोगे उससे जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट में से ही आप कुछ एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा करते हो, ना कि 100% आप खर्चा कर रहे हो। बराबर, तो ये सब अगर आदमी जब तक ड्रीम देख रहा है, बड़े बड़े सपने देख रहा है, वो कामयाब होगा। मगर जो भागता है ड्रीम से, वो नहीं, वो अपने अपने मस्त लाइफ में जीते, वही अपना अपने फैमिली को बस से भेजो, एसटी में घूमो, ये करो, तो वो सेटल है, उसको वो बड़ा नहीं बन सकता, मैं नहीं मानता। बराबर। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।